हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। हम लोग पहुंच गए थे चिमनी पे लगभग 25 मिनट के बाद, और यह इस जगह का नाम राजन ईट उद्योग, जो मामा जी का थर्ड नंबर बेटा है ना, उसके नाम से है ये। हमने दिखाने की कोशिश करते चिमनी अच्छे से, बट दिख नहीं पा रहा था फ़ोन में। ये पूरा ईंट था जो लोग बना रहे थे, सामने ना सारे मजदूर लगे थे बनाने के लिए। इसको ना 1 से 2 दिन टाइम लगता है सूखने के लिए, उसके बाद से सूखने के बाद इसको उठा के जगह रखा जाता है। फिर टाइम आता है जब उसमें आग लगाने के लिए ना, जो चिमनी है उसके बाद सबको वहाँ पर जाके असेंबल किया जाता है, सजाया जाता है, उसके बाद से आग लगाया जाता है। यह है मिट्टी जो कि जेसीबी की हेल्प से इसको गूंदा जाता है, साना जाता है। अब देख रहे हैं इसका स्पीड कितना तेज़ है, काफ़ी तेज़ी से लोग बनाते हैं। इस ईंट के ऊपर लिखा हुआ है राजन, इस नाम से ना जाने कितना घर बन के तैयार हुआ है। सबसे पहले तो मेरा खुद का घर है जो इसी ईंट से बना हुआ है राजन। इन लोगों का स्पीड बहुत तेज़ में था। इन लोगों को लगभग पर डे 1500 ईंट को मतलब बनाना होता है सांचा में डाल करके। उसके असल में निकल लिए थे अलग अलग जगह पे, क्योंकि 4-5 जगह जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे अलग अलग एरिया में। पूरा बहुत बड़ा एरिया फैला हुआ है यहाँ पर भी चिमनी के साइड में। उसके वजह से राजन जा करके सब अपना देख रहा था, बता था कि कैसे करो आप, कैसे सही रहेगा। और ये वो गड्ढा जहाँ पर ना मिट्टी को साना जाता है जेसीबी की हेल्प से। तो जितनी भी मशीनें हैं ना, सब मामा जी खरीद कर रख लिए, चाहे जेसीबी हो या फिर कुछ भी काटने का, मिट्टी काटने का, सब कुछ रख लिए हैं। और यहाँ पे ना राजन बता रहे कि ईंट कैसे चेक किया जाता है। तो उसको ना एक साथ लड़ाया जाता है, उसमें से मेटेलिक आवाज़ आता है, काफ़ी जैसे मेटल्स टकराते हैं ना उस टाइप का आवाज़ आता है। तो पता चलता है कि ईंट बहुत अच्छा है, काफ़ी सही है, 1 नंबर ईंट है कि 2 नंबर ईंट है। फिर लोग चेक करने आ गए थे और यहाँ पे भैया पटक के देख रहे थे टूट रहा है कि नहीं। और सामने जितना भी ईंट दिख रहा है ना आपको, ये सब ज़्यादा पकने के कारण ऐसा हो गया, इतना मजबूत हो जाता है ना कि इसे जब नेव वगैरह डलता है ना उसमें यूज किया जाता है। इसके साथ जो बांध का एरिया होता है वहाँ पे बोरा में भर के इसको यूज किया जाता है। फाइनली हम चढ़ गए थे टीला पे, यानी कि जहाँ पे हम लोग का चिमनी था वहाँ पे। और राजन बता रहा था कि कैसे सब कुछ किया जाता है। जो एरिया दिख रहा है ना पूरा, ये यहाँ पे पूरा ईंट सजाया जाता है जितना एरिया दिख रहा है वहाँ पे, और बीच में इधर से आग लगाया जाता है। ये सारा ईंटा पका हुआ, जितना ईंट दिख रहा है सब पक चुका है यहाँ पे। लगभग जब आग लगाया जाता है ना तो 6 महीने तक वो आग चलता है और ईंटें निकाली जाती हैं साइड से। और इस साइड में ना ईंट को लोड किया जा रहा था, मतलब किसी को बेचा जा रहा था, वो पहुंचाने के लिए जा रहा था ईंट वगैरह। सामने से बहुत मतलब बड़ा दिख रहा था ये, काफ़ी चौड़ा था, पता है फ़ोन भी उतना अच्छे से आ नहीं पाता है। तो राजन हम लोग को सब कुछ बताया जा रहा था कहाँ पर क्या होता है। यहाँ से ना जिग जैग थ्योरी को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ताकि CO2 जो है हवा में कम जाए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। फिर हम चले गए थे नीचे सारे लोग, बिकॉज़ नीचे में कुछ कुछ मशीनें नई नई आई थी उसको देखना भी था। तो ये जेसीबी तो लगी हुई थी मामा जी की, और आगे में कुछ नया ट्रैक्टर वगैरह आया हुआ था और कुछ चीज़ें मशीन वगैरह आई हुई थी। तो मिलते फिर आपसे कल, तब तक के लिए राम राम।